हेलो गाइस, इट्स योर बॉय देसी ज़ोरवा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आपके पिछले रिस्पांस को, पिछले व्लॉग्स पे आए रिस्पांस को देखते हुए मेरे और हौसला बढ़ता जा रहा है। मैं बना रहा हूँ डेली नए से नए व्लॉग और आपको दे रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो। आप देखते रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो आज के इस व्लॉग में, डेली व्लॉग में, मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। स्पेशल क्या करने वाला हूँ आज, देसी ज़ोरवा बनाने वाला है। क्या बनाने वाला, गेस करो। आई थिंक कोई गेस नहीं कर पाएगा। तो देसी ज़ोरवा आज बनाने वाला है धनिया पुदीना की चटनी, और वो भी मिक्सी में नहीं बनाएगा देसी ज़ोरवा। देसी ज़ोरवा किस में बनाएगा? कुंडी सोटे में कूट कूट के ये धनिया पुदीना की चटनी बनेगी। और ये धनिया पुदीना की चटनी तो एक तो मेरी फेवरेट है ही है, और दूसरा ये कुंडी सोटे वाली तो यार नज़ारा ही अलग है खाने का। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बनाता कैसे हूँ मैं इसको, और इसका टेस्ट चार लोगों को पहले दिखाऊंगा, उनका रिव्यू लूँगा, फिर टेस्ट भी बताऊँगा। ये देखिए, इतना धनिया तो टुक लिया मैंने, अभी इतना और बाकी है, बहुत सारा बाकी है यार, क्या करूँ। चलो लगता हूँ इसको, थोड़ा टुकता हूँ जल्दी 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 जल्दी, तो फिर ताकि चटनी बढ़िया बने। और ये देखो, स्पेशली हमने आज चटनी में डालने के लिए लेके आए हैं अनारदाना, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। और स्पेशल प्याज भी आज दूसरे वाले हैं भाई, आज प्याज है पूका वाले प्याज जो डालेंगे चटनी में, स्पेशल वाली। वाह जी वाह, आज बनेगी चटनी देसी ज़ोरवा की, स्पेशल चटनी बनने वाली है भाई। वाह जी वाह, चलो देखते रहो आप। मगर एक बात पक्की है, देसी ज़ोरवा जो भी करता है ना, हर काम एंजॉय के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि साला मन मार के काम कर लिया, मुंह कर लिया, मुंह बना लिया। नहीं नहीं, और हमने देखो ये दो प्याज भी काटनी है, और उसे थोड़ा सा काटे को, और ये भी थोड़ा सा अनारदाना, एक बार इसका भी पानी निकालना है। ये है हमारे हाथ में कुंडी सोटा। सोटे से किसको पीटता हूँ रानी, किसको पीटूं बताओ? मुझे क्या पता। तो दोस्तों अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। सबसे पहले एज पर मम्मीज इंस्ट्रक्शन, अनारदाना वो इसमें कुटा जाएगा। अनारदाने के बाद हरी मिर्च और धनिया और प्याज साथ साथ डाले जाएंगे। फिर इसके अंदर होगा फिर ज़बरदस्त कुंडी सोटे का खेल। आप देखते रहो, बने रहो, बस मजाक नहीं उड़ाना, देख यार देसी ज़ोरवे का। आज जो देसी ज़ोरवा इस मिशन पे लगा है ना यार, सीरियसली बड़े दिल से लगा है, और दिल से किया हुआ काम हमेशा सक्सेस मिलती ही मिलती है। और इसका टेस्ट भी यार ज़बरदस्त रहने वाला है। तो टेस्ट तो मैं देखो पांच लोगों को कम से कम दिखाऊंगा, और पांच लोगों के रिव्यू देखूंगा कि यार कैसी बनी है यार धनिया पुदीना की चटनी, वो भी कुंडी सोटे वाली अनारदाना डाल के। चलो देखते रहो अब आप। काम बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, चाहे जो मर्जी बोलो, और जिसपे खाने का आनंद आने वाला है ना, बस देखते रहना आप। देखते रहेंगे, खाएंगे नहीं। धनिया होता है, धनिया होता है, धनिया धनिया कोरिएंडर। हम्म,
कुछ करते हैं यार। तुम्हारे तो गले में फंसता नहीं बीच देखे ज्यादा वो ना घर में देख ले क्या कुछ बोल दूंगा। आज अपने देसी जोरबा नोट योगेश ठीक है, देसी जोरबा। तो घंटों की मेहनत के बाद ये तैयार हो गई है हमारी धनिया पुदीना की चटनी, वो भी जबरदस्त वाली। अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करवाएंगे अलग अलग लोगों को, अपने घर में ही करेंगे वैसे तो, देखते हैं क्या रिव्यू आता है, गालियां पड़ेंगी क्या करेंगे बस मुझे लग रहा है उम्मीद है कि अच्छी बनी है यार। देखो काम तो यार बड़े दिल से किया है, मेहनत भी की है, देखते हैं अब क्या। फाइनली देखो हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है, अब हम टेस्ट करवाएंगे मॉम डैड को और रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू देना है। मम्मी झूठा रिव्यू नहीं देना, सिर्फ ऑनेस्ट, पापा ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू का इंतजार हो रहा है। कैसी बनी है, आप 10 में से अगर रैंकिंग देनी हो तो कितने रैंक दोगे, मतलब कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। वाओ पापा आप बताओ, अभी डैडी का रिव्यू आना बाकी है। डैडी का अगर रिव्यू मैंने पास कर दिया ना, अगर डैडी का इम्तिहान, बस फिर कोई चक्कर नहीं है दुनिया के अंदर। डैडी करो जल्दी करो, पापा इंतजार कर रहे हैं। है पापा देखने जरा, नाइस जबरदस्त है। कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 9। एक नंबर कहाँ कटा है? मोटी का पापा, ये मोटी तो होती है ना ये वाली, फिर मैं मिक्सी में नहीं ना करी, फिर ये नंबर काटना आपका नजायज है भाई। मैं फिर इसको 10 में से 10 ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू जी। अब रानी का देखो रहता है रिव्यू, रानी क्या रिव्यू देती है पता नहीं, चलो एक बार उसको भी टेस्ट करवाते हैं। देखो 2 में तो मैंने पास कर लिया है, ठीक है, अब रानी का रिव्यू बाकी है। अब रानी रिव्यू देगी कैसी लगी चटनी। अच्छा मतलब तुम मेहनत को, मतलब ओवरऑल बताओ 10 में से कितने इसमें नंबर देना चाहोगे? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रेटिंग। चलो 3 बंदों का ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दे चुका हूँ, अब सबसे बड़ा जो रिव्यू मैटर करता है वो करता है सिर्फ मेरा, बिकॉज मैंने ये बनाई अपने दिल से अपने लिए। तो एक बार मैं इसको चखूंगा, देखता हूँ क्या नज़ारा आता है। मैं तो सीधा उंगली डालूंगा इसके अंदर भाई, जस्ट ओनली वन वर्ड, वाव, ऑसम, ब्लॉसम, सुपर, फैंटेबुलस, मजा आ गया यार, तो दिल खुश हो गया कसम से, आज हो गया दिल खुश। चटनी बना के और चटनी चाके, अब रोटी का खाएंगे, फन होगा, मजेदार एकदम बढ़िया कह के। तो गाइस मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और आज देसी जोरबा ने बनाई धनिया पुदीना की चटनी अनारदाना डाल के, वो भी कुंडी सोटा में, बहुत बढ़िया बनी, ज़बरदस्त बनी। देखो सीरियसली बताऊँ मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ऑसम लगी, मेरे को खा के बहुत मज़ा आया। साथ में बनी हुई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और वन ऑफ माई फेवरेट सब्ज़ी, मज़ा आया खा के, और सीरियसली बहुत ही आनंद आया। तो अभी रात के बज चुके हैं 12, अभी मैं ये व्लॉग अपलोड भी करूँगा थोड़ी देर में, इसको एडिट करूँगा थोड़ा सा और अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी मैं जब बाहर गेट लगाने के लिए गया, लॉक लगाने के लिए गया, तो बाहर देखा यार बहुत धुंध हो रखी है। आज इस विंटर्स की आई थिंक हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट धुंध है, फॉग है बहुत ज़्यादा, और आई थिंक ये डेंस होती जाएगी। तो आप लोग भी सर्दियों में अपना ध्यान रखें, घर में रहें, कंबल में रहें, रजाइयाँ लें, सर्दी से अपना बचाव करें, हीटर चलाएं या अंगीठी जलाएं, जो भी करें सर्दी से अपना बचाव करें, बीमार मत होएं, और
अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग मेरे व्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे, और मैं ये भी बोलूँगा साथ साथ में, अगर नहीं कर रहे तब भी मेरा व्लॉग इंजॉय करें। और ये जो आपको रेड बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, अलोम विलोम करो, दबा दो अपने मोबाइल की स्क्रीन, वहाँ से ब्लैक कर दो, दबा दो, मगर ये व्लॉग सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी करो, और कमेंट यार सिर्फ ना, जब आप लोग कमेंट करते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आपने मेरा व्लॉग देखा है, ठीक है, और आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू ओपिनियन भी मेरे सामने देते हो, तो कमेंट ज़रूर करें यार, अच्छा लगे बुरा लगे बट कमेंट कर दो यार सीरियसली। तो देसी ज़ोरबा को अपना प्यार दिखाते हैं, लव यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।